हेलो एंड वेलकम दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने NH Point यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दबा दीजिए बेल आइकन ऑल पे सिलेक्ट करके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि भीलों को आदिवासी क्यों कहा जाता है। सबसे पहले यह जान लेते हैं कि आदिवासी है कौन, आदिवासी का अर्थ क्या है। आदिवासी कोई जाति या धर्म नहीं है। आदिवासी उन जातियों का समूह को कहा जाता है जो भारत में अनादिकाल से वास कर रहे हैं, जैसे कि मुंडा हो, ग्रासिया हो, भील, बिलाला इत्यादि। आदिम जाति के समूह को आदिवासी कहा जाता है। आदिवासी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, आदि प्लस वासी, जिनका अर्थ है अनादिकाल से, प्लस भौगोलिक स्थान पे वास करने वाला व्यक्ति। समुदाय का अर्थ होता है मूल निवासी या आदिवासी होता है। आज आदिवासियों के कई नाम दे रखे हैं लोगों ने अपने राजनीतिक फायदों के लिए, जैसे कि वनवासी, वनवधु, जंगली मूल निवासी, गिरिजन, बर्बन, एब्रोजिनल जनजाति है। आदिवासियों का संवैधानिक नाम है अनुसूचित जनजाति, यानी कि शेड्यूल ट्राइबल ST। आदिवासी कौन है? आज कुछ लोग अपने आदिवासी होने की पहचान छुपाते हैं और वो कुछ लोग शहर में पढ़ाई एवं नौकरी कर रहे हैं व्यक्ति है, क्योंकि उनकी मानसिकता में आदिवासी चोर, लुटेरा, अंध, नगा, अर्धश्रद्धा में मानने वाला इंसान होता है। सही में आदिवासी कुदरती इंसान है जिनका महत्व यूनो ने दिया है, क्योंकि आदिवासी प्रकृति रक्षक है। LRR 1972 की पेज नंबर 419 में आदिवासियों का उल्लेख नेचुरल कम्युनिटी के नाम से दिया गया। हमें गर्व होना चाहिए कि हम आदिवासी हैं, हम भारत के आदिवासी, भारत देश के मालिक हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतनी ही जानकारी, आपको पता चल गया होगा कि भीलों को आदिवासी क्यों कहा जाता है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा है कॉमेंट कर जरूर बताना और मिलेंगे एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए NH Point यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।